आनंद भाई क्या कुछ जानकारी है बफलो पे चलते हैं अभी। भाई तीसरे ब्यात की, तीसरे ब्यात की। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ और क्वालिटी तो आप चेक ही कर सकते, क्वालिटी में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नसों से, सिंगल हड्डी से, चौड़ाई से, पीठ क्वालिटी से, पूंछ से, थनों से, आकार से, स्पेस से, वो तो बोलने को आप सबको सामने दिख रही जो चीज है जी, ठीक है। पिछले ब्यात की रिपोर्ट क्या है दूध की? 22 किलो दूध, 22 किलो ठंडा दूध दिया इसे। अच्छा हाँ। तो अब की बार 22 किलो मैं खुली गारंटी दूंगा, 22 किलो क्या चरानिया हो तो 22 पे प्लस भी करेगी। अच्छा बिल्कुल, ये देखो तो एक समय की मिल्किंग दिखा दें। मिल्किंग दिखा दो, मिल्किंग ठीक है। 4 टाइम 10 टाइम अपने भाई तसल्ली करके धाव देख के ले जाओ, कोई वो नहीं, ऑनलाइन की जल्दी बाजी नहीं है, बहुत बढ़िया। धाव देख के ले जाओ, हर तरीके की गारंटी रहेगी ऑनलाइन में भी, थनों की गारंटी, पोसा वगैरह सारा। मैंने पोसा अब जो वीडियो में दिखाएंगे जो चीज है धार तो ऐसी है, जब मैं निकालूंगा तो मैं खुद पास करके लेके आता हूँ, धार उसे बढ़िया धार होगी। हाँ हाँ वही दूध निकाले, ठीक है। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने जबरदस्त दूध की बेहतरीन अंडर क्वालिटी में थर्ड टाइमर बफलो लेकर के हाजिर हुए हैं। और इस डेयरी फार्म की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसे, काफ़ी अच्छा अच्छा पशुधन भाई ने हमेशा निकाल करके दिया। और आज की जो स्पेशल वीडियो है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव गुरावड़ा से होने वाली है, आनंद यादव डेयरी फार्म से। और मैं कहूंगा चाहे लाइव मिल्किंग की बात हो या फिर नॉर्मल वीडियोज़ हों, हमेशा अच्छा पशुधन, हर तमगे का जो पशुधन है इन्होंने निकाल करके दिया है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बफलो में अंडर क्वालिटी के साथ साथ हेल्दी फीमेल काफ, जो कटड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। कटड़ी आप देख लीजिएगा, लंबाई ऊंचाई से काफ़ी भरपूर, काफ़ी अच्छा जो पशुधन है वो। और एक समय की मिल्किंग है वो भी पशुपालकों को ज़रूर दिखाएंगे। तो सीधा आनंद भाई के पास लेकर के चलेंगे, बारीकी से जो पशुधन है उसकी डिटेल्स जानने का प्रयास। आनंद भाई सबसे पहले नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई संदीप, कैसे हो जी? ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया है जी। तो कैसा? आपका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। और बड़ा जितने अपने व्यूअर भाई है सभी भाइयों का हाथ जोड़कर राम राम जी जी। राम राम। आज फॉर्म में हो बिल्कुल, हैं खुश? फॉर्म में देखो जी, पशुधन होगा अच्छा, पशुधन होगा बोलेंगे भी अच्छा, जिसके पास अच्छा पशुधन होगा बोले भी कैसे, बोलने में चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जाना, वो साफ चीज साफ दिखाएंगे भाई। बिल्कुल। तो पिछली वीडियो का पशुधन, पिछली वीडियो का सुंदर भाई खरखोदा गया था, ऑनलाइन पेमेंट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी खरखोदा गया था, ठीक है। हाँ जी। तो कैसा निकला? बढ़िया पशुधन है जी। अच्छा। अच्छी जोटी थी, सबको पता था जब दूध निकाल रही थी भाई का, प्लस ऊपर भी रुपए देने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा। पंजाब वाले बोले भाई ऊपर ले ले मेरे लेकर, डेढ़ दे दे, डेढ़ में दे दे, 35 रेट किया था, 35 में सेल की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज, तो अगले के फोन आए, खुश है बंदा? खुश है जी, बिल्कुल बढ़िया खुश है। ठीक है, आज एक ही पशुधन दिखा रहे हो फिर? एक ही पशुधन है, एक और लेके आए थे। हाँ। एक गई है बुलंदशहर, एक बुलंदशहर के, बुलंदशहर परसों ही दिए। अच्छा। तो भाई देखो बढ़िया पशुधन, दो दो तीन तीन पशुधन कम से कम भी महीने में मैं तो ये बोलता हूँ 40 की जगह 15 बेच रहे हो, लेकिन 15 ऐसे बेचो जो बढ़िया क्वालिटी का अगले पास अच्छा कवाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद भाई क्या कुछ जानकारी है बफलो पे चलते हैं अभी? भाई तीसरे ब्यात की, तीसरे ब्यात की। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ। और क्वालिटी तो आप चेक ही कर सकते, क्वालिटी में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नसों से, सिंगल हड्डी से, चौड़ाई से, पीठ क्वालिटी से, पूंछ से, थनों से, आकार से, स्पेस से, वो तो बोलने को आप सबको सामने दिख रही जो चीज है जी, ठीक है। आ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई के? ठीक सा भाई। और बड़का खातिर देना देना सह के देना सा भाई, या जोटी थी खराब होगी भाई, ना तो आगे की होंगी और ना या शरीर बना दी, मना तो या काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से, एक बात बताऊं तो ने, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर। हाँ। और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसलिए हेल्मिसाइड DS, शक्ति मीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए, ठीक है। तो ब्याई होगी आज, ये मैं बता रहा हूँ, आज 11 दिन की ब्याई है और दूध मेरे हिसाब से 18 तो है, लेकिन 18 प्लस ही निकलेगा, 18 दिन कुछ ना कुछ अपने निकाल के लेके आ रही है। अच्छा। हाँ जी ठीक है। तो नीचे कटड़ी है? नीचे कटड़ी है, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड टाइमर बफलो और एक कॉम्पैक्ट साइज का जो पशुधन है वो, चेहरे मोरे की बनावट आप देख लीजिएगा, साथ में लंबाई ऊंचाई और मैं कहूँगा पीठ की चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं। बात करें अडर क्वालिटी, तो पैरों के बीच का खींचा हुआ तना हुआ जो सटीक अडर है इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज मौके पे 18 लीटर जो दूध है तैयार है, हमेशा प्रयास एक कोशिश रही है इस डेयरी फार्म की। दो भैंसे हैं तो भले ही दो हैं, लेकिन दोनों की भी मिल्किंग भाई ने दिखाई है वीडियोज़ के माध्यम से। और हमेशा जितना भी पशुधन देते हैं दूध दिखा करके, धार चुवाई वगैरह, थनों का पोसाव दिखा करके, फिर पशुपालकों को जो पशुधन है देने का प्रयास करते हैं। तो बफलो पे चलते हैं, बिल्कुल नज़दीक से है, आप सब पशुपालकों को दिखाएंगे। हालांकि सींग थोड़ा सा ज़रूर खुलेपन में है,
बाकी शराफत से भरपूर ठंडी जो बफलो है वो। बात करें थनों के कूप फोरहेड से लेकर के साइड की टिट स्पेसिंग, पैरों के बीच का खिंचा हुआ तना हुआ सटीक जो ऑर्डर है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैले वगैरह से भी लगेगी आनंद भाई अभी, मैले वगैरह से भी लगेगी। कितना दूध दे देगी? 20 किलो दूध दे देगी? 20 नहीं, खुट्टे पे कोई भाई पूछ सकता है। 22 किलो दूध ठंडा जो दूध ले जाता था हाँ। उनका घर से लेके जाया करता। ठीक है ठीक है। तो पशुधन उनके पास ज्यादा थे, तीन पशुधन तो मान लो मतलब भैंसे थी जी, कटड़ी पटड़ी बड़ी और थी वो थी, उनका लगाओ तो 5-6 पशुधन हो गए, 5-6 पशुधन। लेकिन जमींदार के घर फुट्टे वैसे नॉर्मल होता तो ज्यादा हो जाता है, निकालते सब पशुधन को, ऐसे फर्क होता जी। तो पिछले ब्याज की रिपोर्ट क्या है दूध की? 22 किलो दूध, 22 किलो ठंडा दूध दिया इसे। अच्छा तो अब की बार 22 किलो मैं खुली गारंटी दूंगा, 22 किलो क्या चरानिया हो तो 22 पे प्लस भी करेगी। अच्छा बिल्कुल। ये देखो जी, जितनी बार भी भाई ने गारंटी ली या गारंटी दी तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करने का प्रयास रहता है। और एक चीज हो यार, आते ही मान ले 2-4 दिन में आते ही वीडियो बनवा रहे हैं। हाँ, हाँ। पशुधन मैंने पहले 3 दिन मेरे पास सारे हुए हैं। हाँ, आते हाँ। देखो कैसा सेट है, कैसी सारी चीज है, बिल्कुल पशुधन से पता लग जाता है। ठीक है, तो तीसरे ब्याज का पशुधन 22 किलो दूध की खुली गारंटी ले रहे हैं। फिर से पशुधन पे चलते हैं, चेहरे मोरे की बनावट के साथ लंबाई ऊंचाई कदकाठी काफी जबरदस्त। बात करें अडर क्वालिटी, बेहतरीन अडर पैरों के बीच का देखने को मिलेगा। फीमेल काफ की बात करें, बिल्कुल जो नन्ही फीमेल काफ, जबरदस्त हाइट कदकाठी आप देख लीजिएगा। तो ये कटड़ी किसी सीमन की है कैसे क्या? कटड़ी देखो जी, सभी जो सीमन टिकवाते हैं अच्छा ही सीमन लगवाते हैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है। लेकिन वो स्ट्रा नहीं रखते, ठीक है, से पता लग जाता है हमें भाई कौन से बुल की। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा बुल भी लगवाएगा जी, वो 5-7 वाला जो अच्छा बुल भी होगा वो भी स्ट्रा नहीं रखते। ठीक है, युवराज का बेटा था, मैंने उससे स्ट्रा मांगी, भाई बोला छान में रख रखी थी वो पता ना कहाँ गेर दी। हाँ हाँ हाँ, भाई के पास ही कहा, जब सहारनपुर से बता रहा था, युवराज का बेटा था वो। अच्छा अच्छा, लेकिन स्ट्रा कारण वो पता नहीं लगा भाई ये किस चीज का, भाई वो कोई बात नहीं। बंदे को वीडियो में पता था क्या वो है। तो एक समय की मिल्किंग दिखा दे। हाँ, मिल्किंग दिखा दो, मिल्किंग ठीक है। 4-10 अपने भाई तसल्ली करके धाव देख के ले जाओ, कोई वो नहीं, ऑनलाइन की जल्दी बाजी नहीं है, बहुत बड़ी धाव देख के ले जाओ। हर तरीके की गारंटी रहेगी ऑनलाइन में भी, थनों की गारंटी, पोसा वगैरह सारा। मैंने पोसा जो वीडियो में दिखाएंगे जो चीज है, धार है, धार तो ऐसी है जब मैं निकालूंगा तो मैं खुद पास करके लेके आता हूँ, धार उसे बढ़िया धार होगी। हाँ हाँ, वही दूध निकाले। ठीक है, तो बच्चा छोड़ो, बाल्टी वगैरह ले आओ, एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के लिए पशुपालकों को जरूर दिखाएंगे। तो पशुधन आप देख लीजिएगा जी, और मैं पशुपालकों से एक ही अनुरोध, एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने, खुद आए पशुधन को देखे, जांचे परखे और फिर कहीं ना कहीं लेकर के जाएं, क्योंकि अच्छी खासी पूंजी, अच्छा खासा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और जब आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा होता है तो मैं कहूँगा सिवाय पछतावे के, सिवाय घाटे के आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि इस डेयरी फार्म की मैं बात करूँ, अब काफ़ी सारे भाई कह देंगे कि भाई तो हर जगह की गारंटी ले लेता है, जितनी भी भैंसे भाई ने हमेशा दी हैं आज तक एक भी पशुपालक ऐसा नहीं मिला जो फ़ोन करके ये कह दे आनंद भाई से भैंस ले करके आए थे, मेरी साई रख ली, या मेरे साथ धोखा हुआ, या पशुधन में झूठ बोली। जैसी भी जानकारी भाई देते हैं साफ सुथरी जानकारी रहती है। एक फरीदाबाद साइड का और एक यूपी साइड के 2-3 फ़ोन कॉल्स मुझे पर्सनली रिसीव हुए थे, उनमें अगले बता रहे थे कि 2-3 जगह से उन्होंने भैंसे खरीदी, एक आनंद भाई का नाम लिया, एक जीतू सांगवान भाई हैं गुडाना से, डिस्ट्रिक्ट भाई का चरखी दादरी लगता है, कह रहे थे जैसा पशुधन आपने दिखाया, जैसी डिटेल भाई ने बताई वैसी ही भैंसे निकली हैं। तो ऐसे इंसानों के ऊपर शक करना मैं कहूँगा गलत है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्या पता भाई ने समय लगा रखा हो, क्या पता कोई और बात हो, हमारा काम है दूध दिखाने का, खुद आओ पशुधन को देख के जांच परख के ले जाओ। अगर नहीं आ सकते दूर बैठे हुए तो एटलीस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से 2-3 समय का दूध आप लोग देख सकते हो। ये थनों का पोसाव है, मोटी मोटी वेंस जो ऑर्डर में आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बाल्टी पानी नीचे डाल के एक बार खाली बाल्टी दिखा देना भाई सबसे पहले। ये बिल्कुल, ये देखो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो अगले दोनों थनों की धारें ये देखो, और पीछे वालों की ओर मार के दिखा दो एक बार। ये देखो जी, सटीक चुआई है, धारों का कटना छटना छर्रा पपैया कोई दोष कुछ भी नहीं देखने को मिला। आंटी जी निकलवा दो। तो ये आनंद भाई की माता श्री हैं और पूरा परिवार मैं कहूँगा साथ में लग करके मेहनत करता है, पूरा परिवार जो दूध है वो निकलवाता है। तो जैसी भी जानकारी, जैसा भी पशुधन है, आप सब पशुपालकों के साथ में और प्रयास जो कोशिश है वो ऐसे ही अच्छी अच्छी जो भैंसे अच्छा अच्छा पशुधन है लेकर के आते रहेंगे, दूध है वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो फुल्ली चुवाई है, बिल्कुल बिल्कुल नरम है जी। अच्छा, अगर नरम चुवाई होगी तो वही पशु दूध देता भाई, कैडी वाला कौन देगा ना, बताओ। ठीक बात है, तो बफलो आप देख लीजिएगा पूर्ण तरीके से सेट है, और नीचे जो बच्चा है जो काफ है वो आप देख सकते हैं।
कटड़ी वाली मैं कहूँगा जबरदस्त जो बफलो थर्ड टाइमर बफलो आप सब पशु पालकों के सामने निकाल करके लाए हैं। खाने पीने में क्या दे रहे हो आनंद भाई? भाई बिनोले वाली खड़ा है, हाँ। चने का छिलका है, ठीक है। अभी नॉर्मल बाजरा है, नॉर्मल बाजरा है, ठीक है, हाँ। उसमें थोड़ी मेथी डाल देते हैं जी, थोड़ा सा गुड़, ठीक है। कैल्शियम भी ये मानो कल से ही शुरू किया था। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो जी, कैल्शियम वगैरह वगैरह होता है वो छटाव के बाद ही डलता है ज्यादा। तो असली वैसे जो होती है जैसे वो लाडो थी, हाँ। वो 25 दिन की होगी जब भी उसके नीचे बारा था, बिल्कुल। फिर उसने जब वो काम जैसे छटाव पटाव सारा काम हो गया। तो यूपी कितने 2.5 लाख की दी आपने? वो 3 लाख की दी थी, 3 लाख की दी थी। तो अच्छा पशुधन था और काफी अच्छी कीमत भाई लगा। पशु जंप मारने शुरू करता है जब वो नाच गिना शुरू होता है, ताकत थी एनर्जी होती है देखो फिर। हाँ हाँ, अगर हम कच्चे शरीर को छेड़ देंगे तो वो दूध नहीं बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आराम दो, घंटा कर रहा हूँ। तो देखो जी, धार चुआई दूध निकालने का तरीका है भाई का, और बाल्टी है दूध मैं कहूँगा, धीरे धीरे बाल्टी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और काफ़ी अच्छा पशुधन अच्छे से सेट कर रखा है इन्होंने, और वेल मेंटेन्ड हम कहेंगे, काफ़ी अच्छी जो फीट बॉडी वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, हर तरीके से काफ़ी अच्छा पशुधन है थर्ड लैक्टेशन में। और भाई मेरे को एक बात कह रहे थे, क्या पता है फोर्थ लैक्टेशन में भी हो, मायने रखता है दूध कहीं ना कहीं। तो सेलेक्टेड जो मुर्रा का पशुधन है लेकर के आते हैं, लाइव मिल्किंग भी भाई ने दिखाई है, 2 से 3 मिल्किंग्स मैं इस डेयरी फार्म से चला चुका हूँ। न सिर्फ अच्छी भैंसे बल्कि घर में एक अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो गोधन है भाई ने रखा हुआ है, नीचे उसके भी फीमेल काफ जो बछड़ी है आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो नॉट फॉर सेल है वो गाय। फिलहाल जो बफलो जो भैंस आप लोग देख पा रहे हो, यही बफलो यही भैंस सेल के लिए है, और चाहे एक पशुधन आपको यहाँ पे मिलेगा या दो पशुधन। आनंद भाई महीने में कितनी भैंसे बेच देते हो? भाई कम से कम 15 भैंसे तो नॉर्मल, 15 भैंसे नॉर्मली सेल आउट कर देते हैं। ये देखो जी, तो मेहनत को सलाम है भाई की को, भागदौड़ पूरा दिन बाहर फील्ड में जाना, पशुधन को सिलेक्ट करके लाना, और फिर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसका दूध, एक एक चीज़ें, एक एक जो पॉइंट टू पॉइंट है पशुधन को पूरा मॉनिटर करना, पूरा उसको देखना खंगालना, बाद में उसके ऊपर डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाल्टी देखिएगा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ती हुई,
और दूध है वो आप सब पशुपालकों के समक्ष आता हुआ। सुबह कितने बजे दूध निकाला था? 5 बजे निकाला था भाई। 5 बजे, तो अभी हम करीब करीब 5:30 बजे वीडियो कवर कर रहे हैं, 20-25 मिनट आधा घंटा लग गया होगा। हाँ जी, हाँ नहीं निकालते हैं ऐसे, सब वीडियो में ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा, सुबह 5 बजे शाम को 5:30। ठीक है ठीक है। अरे इसमें इस बाल्टी को तो 2-2 लाख वाले ने भरा है, जब भी वो बिकी भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली कच्ची भी आई, जब ये इसके ऊपर तार देंगे तो इस भाई के पास जाएगी। जब वो बोलेगा जी मिल्किंग करा लेना, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, भैंस ऐसी है और मैं किस किस की मिल्किंग कराऊँ? पैर उठाएगी आनंद भाई पीछे वाला? नहीं नहीं, पैर नहीं उठाएगी, पैर जहाँ टेक दिया वहीं टेक दिया है। तो बच्चे के लिए छोड़ते हो? हाँ बच्चे के लिए छोड़ देंगे भाई। तो देखो जी बाल्टी है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, बफलो अच्छे से सेट है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा आंटी। ये खाली बाल्टी और ना ये यहाँ यहीं रखवा लेंगे बाल्टी, एक मिनट रुक जाओ बता देंगे। उठे भाई नीचे से अभी। बच्चे के लिए छोड़ देना भाई, यहीं रख ले यहीं रख ले यहीं रख ले। हाँ ये ठीक है आंटी। बच्चे को छोड़ दो, वो देख कटड़ी कैसे कर रही है। छोड़ पूरा दूध आया नहीं बाल्टी में है ना? पूरा नहीं आया भाई ये। लीटर लीटर कहाँ रख दिया? गिलास ही ले, गिलास परा दो, वीडियो परा। खाली खाली लीटर दिखा दो। हाँ ठीक है ठीक। एक दो तीन चार पाँच गिलास दिया, छः सात, थोड़ा सा ना ऊपर से उतार दिया करो, भर के आराम से। हाँ वो जाग थोड़े मर जाएंगे, और कुछ नहीं। और भर दे ऊपर से डाल दे। ये देखो जी 8 हो गए बच्चे। नौ से ऊपर ऊपर हैं? मैंने नौ? क्या बोला था? ठीक है, जो दूध है वो दूध है भाई। हाँ हाँ, 4 टाइम 10 टाइम। और ये सुनो, ये खूब देख लो बाल्टी में, ये चीज़ बेसक में, और कटड़ी का भी छोड़ दिया है मैंने। क्या कहा था, कोई अगर अंदाजा होता ना, मैं 19-20 किलो भी दूध बोल सकता था इसको। हटना एक बार आगे से, ये देखो जी बच्चा कटड़ी है अभी भी दूध पी रहे। आंटी ले जाओ इसको, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो ऑर्डर का झड़ा वगैरह है वो सारी चीज़ें पशुपालकों को दिखा देते हैं। काफ़ी अच्छी बफलो, काफ़ी अच्छा पशुधन है, और हर्डर का जो झड़ाव है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बच्ची है वो दूध पी रही है, तो 22 किलो दूध की खुली गारंटी रहेगी। खुली गारंटी भाई, बिल्कुल है, कोई नहीं निकाले। तो बात करें जी कीमत मोल भाव। कीमत मोल भाव देखो जी, ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं, मैं तो एक ही दाम बोलता हूँ हमेशा, वही बात होती है। हाँ उसमें थोड़ा माड़ा मान सम्मान होता है। हाँ हाँ ठीक है,
डेढ़ लाख रुपए देने वाले हैं जी। एक लाख पचास हजार तो देने वाले कि मान सम्मान की कोई गुंजाइश है? मान सम्मान होगा, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि 22 किलो को सभी पता है कि मिल्किंग होती है ना जी जी, तो 2.5-3 लाख में भैंस नहीं मिलती, बिल्कुल दोई भी नहीं पाती। तो देखिएगा आज मौके पे 18 लीटर दूध तैयार है, 22 लीटर दूध की भाई खरी खरी जो गारंटी जो ओट है वो ले रहे हैं। प्लस ये हाँ, एक दो दिन बाद अगर वीडियो जैसे आप लेट करोगे जी, जब भी मेरे साथ 19-20 ही पाएगा, ठीक है, कम नहीं पाएगा। तो जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली भाई के हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव गुरावड़ा से थी। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। ऐसी ऐसी वीडियो जैसा ऐसा पशुधन समय समय पर लेकर आते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।